थंडरबोल्स के टाइटल का है इशारा पार्ट की तरफ से Franklin Richards के and Human Torch पोस्टर दे रहा है अल्टरनेट यूनिवर्स का कंफर्मेशन सिनेमाकॉन में रिलीज डेड एंड वोलवर फुटेज की कंप्लीट डिटेल क्लियर कर रहे हैं बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फर्स्ट फुटेज है सेटअप न्यू एवेंजर्स टीम का एंड फाइनली एक्समैन मूवी एंड आर्मर वॉर्स के साथ दो और मार्बल प्रोजेक्ट की शुरुआत कंफर्म एडिशनली बोनस स्पॉयर्स रिलेटेड है सिडनी स्विनी के एम सी यू को ज्वाइन करने के तो सिडनी स्विनी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना सुपर सैम एंड वेलकम बैक टू शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के फुटेज से जिसकी डिटेल्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर थंडरबोल रॉस और सैम विल्सन की आर्ग्यूमेंट होती है व्हाइट हाउस में ऑल्सो हमें ये भी पता है की उसे न्यू एवेंजर्स टीम क्रिएट करने के लिए कहता है एंड उसका जो एजेंडा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने मिला था जहाँ सोकोविया अकॉर्ड के अंडर वो इस टीम को गवर्नमेंट के अंडर लाना चाहता था वही सेम चीज वो यहाँ भी पुश करते हुए दिखेगा एंड इसी रीजन से वो सैम को भी अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है अब ऑफकोर्स एवेंजर्स की टीम करंट टाइम में एक्जिस्ट नहीं करती क्यूँकी जो मेन मेंबर्स थे इस टीम के ब्लैक वीडियो आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, और विजन ऑलरेडी मर चुके हैं कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स गायब हो चुका है मल्टीवर्सल टूर पे गार्डियंस ऑफ द ऑलरेडी स्कैटर हो चुकी है और इवन दो में मौजूद है लेकिन स्टार लॉर्ड का ऐसी टीम ज्वाइन करने का कभी इंटरेस्ट नहीं होगा मार्बल भी अर्थ पे ही है बट फिलहाल वो एक्शन से दूर रहना पार्कर कोई नहीं जानता एंड हल्क अपने अपने बेटे की डिस्कवरी के बाद तो इस पॉइंट

यूनिवर्स की सिटी तो नहीं है एंड अगेन कंफर्मेशन मिल रहा है कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट प्लॉट होगा इसके अलावा इसी ट्वीट के साथ एक लिंक शेयर किया गया था जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज दिखेगा फाइल नॉट फाउंड का जहां पे बना हुआ है है भी एंड ऐसा लगता है कि ये बस प्रैंक था बट यही पे इस हरबी के ऊपर एक क्यू कोड है जिसे स्कैन करके हम पहुंचेंगे एक और पेज पे जहाँ पे पांच कॉमिक्स है और इन कॉमिक्स की स्टोरी लाइन हिंट दे रही है मूवी की स्टोरी पे अब ऑब्वियसली सारी कॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी लेकिन ये सारी कॉमिक्स रिलेटेड है गैलेक्टर से ही इसके अलावा मूवी के प्लॉट को के दो लीक्स हैं फर्स्ट थिंग जो हम जानते हैं कि यहाँ पर रिविल किया जाएगा इस फैमिली के साथ उनका बेटा यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी बट एडिशनल ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर रीड और सू की बेटी वेलेरिया भी दिखेगी एक लीक के हिसाब से मूवी की स्टार्टिंग में ही जब सुजन स्टोन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब वो ऑलरेडी प्रेगनेंट होगी फ्रेंकलिन से एंड ड्यूरिंग द मूवी फ्रेंकलिन का बर्थ होगा स्पेस में और फ्रेंकलिन रिचर्ड्स का कनेक्शन कॉमिक्स में गैलेक्टर्स के साथ रहा है एंड क्योंकि ये ऑलरेडी हिंटेड है उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो उनको एमसीयू में टेलीपोर्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल फ्रेंकलिन का हो सकता है

टाइम में और प्लॉट क्लियर होता जाएगा अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कुछ फिल्मिंग अपडेट्स के बारे में ऑलरेडी इस साल के सितंबर में प्लान है स्पाइडरमैन 4 की फिल्मिंग शुरू होना क्योंकि सोनी का पुष्य अगले साल इस मूवी को रिलीज करने का लेकिन इसके साथ ही पांच और प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्लानिंग ऑलरेडी हो रही है इस साल 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 एंड एंड अगले फिल्मिंग फिल्मिंग शुरू होने की। इसी साल के एंड में की फिल्मिंग शुरू होने होने की की इसी के में वाली है वाणा विजन के स्पिन ऑफ शो के रूप में विजेंस में हमें व्हाइट विजन की जर्नी देखने मिलेगी इस सीरीज के पार्ट में एलिजाबेथ उल्सन का कैरेक्टर भी इंक्लूडेड होगा अब हो सकता है की वो पास्ट का कारका फुटेज के रूप में हो या फिर हो सकता है की सीरीज के थ्रू ही वांडा की वापसी की जाएगी देन 2025 की स्टार्टिंग में शुरू होगी नाम था Avengers जिसे की फिल्मिंग, ही में शुरू होगी वापसी कर रहे हैं मिड ट्वेंटी में आर्मर वॉर्स की फिल्मिंग शुरू होने वाली है एंड की, की आयरन हार्ट वापसी करेगी तो अगले साल ही हमें शायद आयरन हार्ट सीरीज भी देखने मिल सकती है लेकिन सबसे बड़ी न्यूज है अगले साल के फोर्थ क्वार्टर

एक्समैन के वॉर का सेटअप करेगी एक थेरी के हिसाब से द मार्वल्स के एंड में मोनिका रेम्बू जिस यूनिवर्स में रह गई है जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एक्समैन टीम वहाँ पे मौजूद मारिया मोनिका को अपनी बेटी के रूप में वही उसी यूनिवर्स में रखने की कोशिश करेगी वही कैरल और यंग एवेंजर्स की टीम जिसे कमाला खान लीड करेगी वो मिलकर मोनिका को वापस लाने की कोशिश करेंगे जिस वजह से होगा एक्समैन वर्सेज अवेंजर्स का वॉर एंड ऑल्सो यही रीजन बन सकता है एक और इनकर्जन कॉज होने का जिसके बाद होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर ऑफकोर्स इस थे बहुत सारे लूप होल सेल

एस्ट्रिक्स मार्क यूज किया जा रहा है इस टाइटल में वो इशारा है की मूवी का पार्ट वन होगा फाइगे ने प्रेजेंटेशन में ये कहा था की मूवी रिलीज होने के बाद ये चीज क्लियर होगी इस Asterix का मतलब क्या है बट देन बोल्स मूवी का इतना क्रेज नहीं है और ऑलरेडी ये प्लान कर चुका है कि इस तरह की मूवीज और नहीं बनाई जाएंगी तो अगेन ये क्लियर नहीं हो रहा कि थंडरबोल्ट्स के दो पार्ट्स क्यों बनाए जाएंगे तो आई स्टिल थिंक कि मूवी के एंड में थंडरबोल्ट्स का नाम चेंज करके रखा जाएगा डार्क अवेंजर इसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस एस्ट्रिक का मतलब कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर veut एंड फाइनली डेडपुल एंड वुलवरीन का सिनेमा कॉन में जो फुटेज दिखाया गया था वो नौ मिनट की क्लिप तो नहीं मिली है लेकिन उसकी स्क्रिप्ट टोटली लीक हो चुकी है अब इसका इनिशियल पार्ट तो जस्ट एक फन गैग था जहाँ पर डेडपुल और वुलवरीन मूवी देखने वालों को अपने फोन ऑफ करने के लिए कहते हैं लेकिन इसके बाद का सारा पार्ट मूवी के सीन से ही उठाया गया है अब ये स्क्रिप्ट स्क्रीन पे है लेकिन मैं सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट से डिस्कस करूंगा इस सीन के स्टार्ट में वेट विल्सन कार सेल्समैन के रूप में अपनी कार्स बेच रहा होता है जहां वो मिलता है पीटर से भी जिसे उसी ने टाइम ट्रेवल करके बचाया था एंड जब वो वापस घर पहुंचता है तो उसके लिए सरप्राइज

मूवी में हमें कैमियो में देखने मिलेगा हैप्पी होगन भी बट अगेन वो हो सकता है आर्काइव फुटेज या फिर हैप्पी होगन को किसी और यूनिवर्स में एक वेरियंट के रूप में दिखाया जा सकता है लेकिन बड़ा रूमर है की जाएगा इस मूवी में अब कॉमिक्स में हल्क वर्सेस काफी पॉपुलर फाइट रही है एंड कॉमिक्स में तो वैसे भी वुलवरीन को इंट्रोड्यूस कराया ही गया था हल्क की कॉमिक्स में एज अ विलन बट यहाँ पे सिर्फ इसका मैं ही होगा यो जैकमैन ने वैसे भी कई बार कहा है कि वो हल्क से फाइट करना चाहेंगे एज बट आई डोंट थिंक कि वो हमें यू जैकमैन के वुलवरीन के साथ देखने मिलेगा मे भी इस चीज को

रोल प्ले कर सकती है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना तब तक एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में